दोस्तों आज मेरी लोहे की कढ़ाई में मूंग दाल की खिचड़ी बघर रही है। तो लोहे की कढ़ाई में मेरा तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैंने सबसे पहले इसमें प्याज डाल दिया। अब उसके आपके तेल के टेम्परेचर को कम करने के लिए उसमें कोई चीज़ एकदम से डाल दें, जैसे मैंने अभी टमाटर डाल दिया, तो ये तेल थोड़ा सा आपका नॉर्मल हो जाएगा और आप तेल बघार लगाते तो वो जलता नहीं है। यहाँ पर मैंने राई डाल दी, जीरे डाल दिए, काश्मीरी मिर्च डाल दिया। आज मैं बघा रही हूँ दोस्तों खिचड़ी, और यहीं पे मैंने डाल दिया पालक, हरी मिर्ची और टमाटर और एक स्प्रिंग ऑनियन प्याज। ये सब हमारा सोते हो रहा है, मिक्स वेज खिचड़ी है। अगर आपको लगता है आपके पास और अच्छी अच्छी सब्जियां हैं तो वो भी ऐड करके, पर मेरे पास जो चीज़ की अवेलेबल है, मेरे पास पालक, स्प्रिंग ऑनियन, हरी मिर्ची, टमाटर ये सब था तो मैंने कर दिया। और इधर मैंने मूंग की छिलके वाली चावल की दाल खिचड़ी बना ली। इसमें हल्दी, नमक, हींग वगैरह पहले से डला हुआ है। इधर मैं बघार लगा रही हूँ, मुझे बघार में खिचड़ी का थोड़ा सा सब्जी का क्रंचीपन रखना है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊँगी और यहीं पे मैं खिचड़ी को ऐड कर दूंगी दोस्तों। इस तरह से जो नॉर्मल लोग हैं, बीमार लोगों के लिए तो सिंपल चीज़ें, लेकिन नॉर्मल लोग थोड़ी चटपटी चाहते हैं, तो उनकी इस तरह से आप बघार दें। शानदार खिचड़ी दोस्तों हमारी, देखिए मल्टी कलर बन के खाने को तैयार।